आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI इस दौर के सबसे बड़े आविष्कार में से एक है। बड़ी कंपनियों से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक AI की प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये चिंता तो बहुत पहले से जताई जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निचले स्तर की नौकरियों को खत्म कर सकता है, लेकिन पहली बार इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि AI बड़े CEOs की नौकरी भी खत्म कर सकता है। ये पूरी बहस शुरू हुई जापान की कंपनी पैनासोनिक के एक प्रयोग से। क्या है पैनासोनिक का प्रयोग? जापानी कंपनी पैनासोनिक ने अपने दिवंगत संस्थापक कोनोसुके मात्सुशिता का एक AI क्लोन बनाया है। इसके लिए कंपनी ने कोनोसुके मात्सुशिता के लिखे नोट्स, उनके भाषणों और 3000 से अधिक वॉयस रिकॉर्डिंग का उपयोग किया। कंपनी ने AI का उपयोग करके अपने दिवंगत संस्थापक को मशीन के रूप में वापस ला दिया है। पैनासोनिक का ये प्रयोग सफल भी रहा। कंपनी ने मात्सुशिता का क्लोन बनाने के पीछे के कारणों पर कहा है कि अब बेहद कम लोग बचे हैं जिन्होंने मात्सुशिता से सीधे प्रशिक्षण प्राप्त किया था, इसलिए अपने फाउंडर के विजन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जनरेटिव AI तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। टोक्यो विश्वविद्यालय से संबद्ध मात्सुओ संस्थान के सहयोग से पैनासोनिक ने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जो किसी व्यक्ति के पुराने लेख, भाषण और ऑडियो रिकॉर्डिंग से उसके मूल व्यक्तित्व का नकल कर सकता है। कंपनी का लक्ष्य भविष्य के व्यावसायिक निर्णय लेने में उपयोग के लिए इस डिजिटल क्लोन को बेहतर बनाना है। मात्सुशिता के AI क्लोन के उपयोग से यदि पैनासोनिक को बड़ी सफलता मिलती है तो यह गेम चेंजर साबित हो सकती है। मात्सुशिता का 1989 में निधन हो गया था। वह जापान के सबसे सम्मानित व्यावसायिक हस्तियों में से एक हैं। पैनासोनिक के संस्थापक कोनोसुके मात्सुशिता को जापान का गॉड ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। कई कंपनियां कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। हाल ही में अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने खुलासा किया था कि गूगल में 25% से अधिक नए कोड अब AI द्वारा बनाए जाते हैं। फोनपे ने पिछले 5 वर्षों में अपने कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों की संख्या में 60% की कटौती की है। ग्राहकों की समस्या का समाधान करने के लिए इस संचालित चैटबॉट का उपयोग किया जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सार्वजनिक खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।